प्रणमीय शिरसाणे मिं गुणरयण विभूषण महावीरम सम्मत्तरयण निलयम पयडि समुक्कीर्तनम वोच्चम। संगनन के अनुसार गमनागमन की चर्चा यहाँ पर आचार्य ने उठाई है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है, अंतरंग के पौरुष का और बहिरंग के संगनन का, ये समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रकरण है। अनावश्यक और अमर्याद छटपटाहट मुक्ति को पाने की खत्म हो जाती है जब हमें समझ में आता है कि इतना ना पौरुष होगा और संकेत के रूप में ना ऐसे संगनन आदि हमारे पास है। और ये भी तसल्ली होती है, आत्मशांति होती है कि किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो अंतिम हीन तीन संगनन कहे हैं वह साक्षात मोक्ष मार्ग के लिए तो बिल्कुल भी बाधक नहीं है। ये तो आप जानते ही होंगे, संस्थान कोई भी हो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है जी। हुंडक संस्थान वाले के भी मोक्ष गमन संभव है। आकार प्रकार तो कुछ भी मायने नहीं रखता, फीचर्स, बाहर का लुक जिसे कहते हैं, दर्पण जिसको दिखाता है, वो तो बिल्कुल मायने नहीं रखता। यदि मायने रखता है, दूरी का रिश्ता यदि होगा तो रिजिडिटी संगनन, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम काया राखे धर्म आदि जितने भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के बोल है वो अपने अपनी जगह परमार्थ समझना, अपने अपनी जगह यथार्थ समझना। परमार्थ कहने में फिर निश्चय की गंध आपको ना आ जाए, अपने अपने जगह। हालांकि परमार्थ मतलब भी यथार्थ ही बनेगा, फिर कोई बात नहीं है, अपने अपने जगह वे भी कार्यकारी है। कल सहज एक बीच में प्रश्न उत्पन्न हुआ था, फिर चर्चा अधूरे में आकर छूट गई थी, उसी को कंप्लीट करता हूं मैं। कल बात आई थी कि ये मैंने कहा था कि जिने हिम भनियम, क्या बात लिखी है यहाँ पर, आचार्यों के मूल शब्द है, कुछ मूल शब्द है यहाँ से, जिने हिम निदिट्ठम कहकर स्त्रियों का वर्णन किया कि स्त्रियों के हीन तीन संगनन होता है कर्म भूमि में। भोग भूमि में संगनन होकर क्या करेगा, वहां पर संयम साधना की कोई बात नहीं है। और वही जीव यदि मजबूत संगनन हो और भोग वृत्ति वाला हो तो प्रचुरता से उसमें लगता है, बल तो बल है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। वस्तु तो वस्तु है, तीन बातें बताई, विद्या धन शक्ति, किन के पास जाती है तो उसका क्या फ्यूचर होता है ये हम बोल सकते हैं। वस्तु किसको मिली है इससे हम नक्की कर सकते हो क्या करेगा, हम कहते हैं उसको पैसा मिला आज देखना बार में रात में वो पीता दिखेगा, नहीं तो वहां पर देख लेना अड्डे पे वो ताश खेलता दिखेगा आज, अनुमान है। और उनको पैसा दिखे मिला देख लेना ये पहला चढ़ाव ये लेंगे आपके बार का। आप समझ रहे किसके पास क्या चीज आई है। तो मैंने तो क्यों बताया, ये संगनन तो अपने आप में एक अंदर की शक्ति का परिचायक है। उसको कहां पर लगाना, उसको बर्बाद करना कि उसको आबाद करना, यह हमारी सदासत विवेक बुद्धि, सारा सार बुद्धि, ज्ञान हमारा जो जिंदा है वो निर्णय लेता है, वो विवेक करता है।
एक सूत्र 6-7 दिन चला था, अभी जो शिविर चला बीच का, तो उसमें मैंने लिया था उसको, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव आगे नहीं, अधिकरण वीर्य विशेषस तद विशेषा। आश्रव की हीनाधिकता जीवों में होती है, किन किन बातों को लेकर वो एफेक्ट होता है आश्रव, तो कहते तीव्र भाव करेगा तीव्र आश्रव होगा, मंद भाव करेगा मंद होगा। ठीक है, तीव्र मंद भाव हो गया, और बोलो आगे। ज्ञात अज्ञात, जान के करेगा तो कैसा होगा और अजान के करेगा तो क्या होगा, इसके हर पहलू पर अपन ने फोकस किया था। जान के करेगा तो विशेष आश्रव होगा अपेक्षा एक, और जान के करेगा तो कम आश्रव होगा, इसलिए ज्ञानी को आश्रव नहीं कहा, अपेक्षा दोनों खोली थी स्यादवाद शैली में। फिर तीसरा बिंदु खोला था अधिकरणम जीवा जीवा, जीव के आधार से हिंसा आदि होता है तो फोटो फाड़ना आदि, आटे का मुर्गा सब मैंने बताया था। अब वो सूत्र याद करना, छठवें अध्याय का छठवां सूत्र वीर्य, ये जब प्रकरण मैंने उठाया था तब मैंने भरसक ये प्रयास किया था समझाने का, जितनी ताकत जीव में होती है उतना आश्रय उससे होता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण मैं सर्वत्र देता आता हूं कि जैसे एक इंद्रिय जीव है, वह एक सागर के ऊपर स्थिति बंद नहीं कर सकता। दो इंद्रिय जीव है, वो 25 सागर से ऊपर स्थिति बंद नहीं कर सकता, दर्शन मोह की बात कर रहा हो। तीन इंद्रिय जीव है, 50 सागर से ऊपर स्थिति बंद नहीं कर सकता। चार इंद्रिय जीव है, 100 सागर से ऊपर स्थिति बंद नहीं कर सकता। असंगी पंचेंद्रिय है, 1000 सागर से ऊपर स्थिति बंद नहीं कर सकता। संगी पंचेंद्रिय है पर्याप्त तक। वज्र ऋषभ नारस संगनन वाला, कर्म भूमि वाला, वो 70 कोड़ा कोड़ी करता है। आप समझ रहे, एक इंद्रिय की बस की नहीं है, ना दो इंद्रिय तीन इंद्रिय असंगी तक के भी बस की नहीं, इसलिए यह फर्क भी तुरंत ख्याल में आता है। मैंने कहा था इसलिए चार इंद्रिय तक के जीव ना देवगति में जाते हैं मर के, ना नरक में भी जाते हैं। असंगी को द्वार खुलेगा देवगति का भवन द्विक तक, भवनवासी व्यंतर, और असंगी को नीचे का द्वार खुलेगा तो पहले के नीचे का नहीं, उसकी ताकत ज्ञान की और उसकी अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने वाली ताकत शरीर की एकदम कनेक्टेड है, वेरी नजदीकी से कनेक्टेड है। ये समझ रहे आप सब। मैं तो तब भी एक मुद्दा उठाया था, आज फिर से मुद्दा उठाता हूं क्योंकि महिलाओं का प्रकरण हमारा चल रहा है कल से, अबला को लेकर, याद आ रहा है आपको। और ये मैंने इसलिए ये उठाई ये प्रकरण, अभी आप जानते ना आधा घंटा मैंने बहुत मेहनत की है कुछ ढूंढने की, साहित्य अचानक क्लिक होते हैं मुझे 2-4 बिंदु, मैंने कहा देखे सब ढूंढ लिया। फ्यूचर में मैं एक अनुमान करता हूँ, एक केवल एक नारी को लेकर एक पीरियड चलेगा, दिस विल बी न्यू टू एवरीवन, तो नया प्रमेय उसमें डालने का प्रयास करूंगा। भारतीय दर्शन कहने की अपेक्षा जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में नारी का स्थान, अभी मुझे जो चाहिए था मैटर वो पूरा नहीं मिल पाया, तो मैंने उसको अंतिम मिनट में देखा, मैंने कहा टाइम हो गया अभी चलो। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था शिविर में, मैंने यहां पर यह बोला था कि मान के चलो 5 जन खड़े हैं, तब का उदाहरण मैं दे रहा हूं, उस सूत्र में मैंने मुझे जो समझाया था मैंने, और वीर्य के निरूपण में, तो मैंने कहा था अपन कल्पना करें कि 5 जन ने एक अपराध किया है और 5 जन ने अपराध किया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो कई सारे छंद आए से, इतने जन मिलके ये अपराध करते फिर भी एक शरीर का आश्रय नहीं होता है, और कभी तो देखो वो घर पे बैठ के आराम कर रहा है राजा, सबसे ज्यादा आश्रय उसको है। मैंने तब भी एक बात कही थी कि कुदाली चलाता है बगल के खेत में एक जन और केस चलता है दूसरे पर, कैसा न्याय है, क्योंकि कुदाली समझते ना, फावड़ा क्या कहते आप, कुदाली नहीं कहते क्या आप लोग, प्लो PLOUGH, फावड़ा कहते आप, फावड़ा इज द अदर थिंग बाय विच हल। ठीक है सुनो, तो कहना क्या है, हाथ में है किसके हल
और केस चलेगा किस पर, क्योंकि ये मूल हाथ किसके चल रहे हैं ये देखने की ताकत सबकी है लोक में। उसको बेचारे को वो तो गुलाम है पैसे का, ईर्ष्या भाव से वो कुछ नहीं कर रहा है। आज 100 रुपए में तुम उसको खरीदोगे, तुम बोलोगे वहां पर काम चालू करो, वहां पर चालू करने वाला बिकाऊ है बेचारा, हाथ पर पेट है, उसको क्यों परेशान किया जाए, ये तो हम सब समझते हैं। तो मैंने एक उदाहरण खड़ा किया था, यहां पर 5 जन ने मिलकर कोई इवेंट किया। अपन इसमें डकैती का उदाहरण लेते हैं, हालांकि 5 पाप हमारे सामने घूम रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ पाप तो घटित ही नहीं होंगे, हालांकि घटित करना चाहो तो वह भी होंगे, समझते हैं आप। देखो बलात्कार में भी 5 अभी मैं तो 5 जन को खड़ा ही नहीं कर पाए हो अभी, अब पहले खड़ा करो। अब ऐसे ले लो, एक आदमी है उसकी एज है 60, एक आदमी है उसकी एज में भी 40-50 ऐसे कुछ, एक है मान के चलो कि 25-30, एक टीनेजर है और एक है 8 साल वाला, और एक है 8 साल का के लड़के की माँ, कितने जन हो गए। मैंने तो एक स्थूल उदाहरण दे रहा था, शिविर के दौरान की बात है। अच्छा प्रकरण चला था, वो यात्री भी आए थे, तो फिर टू एंड फ्रो भी होता था बहुत उसमें। तो फिर मैंने उदाहरण देते हुए ऐसा बोला, मैं तो ज्यादा दाव पे जानता नहीं हूँ कानून के, मैं तो वैसे ही बोलता रहता हूँ अपने अनुमान से, लेकिन वो बेशक कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने बोलते बोलते ऐसा बोला कि मैंने कहा क्या एक ही अपराध करने में सबको एक सरी का फल होगा, कदापि नहीं, मैंने ऐसा बोला। तो मैंने कहा जो जोश होश हवास वाला है, जो उसको या तो मिल सकता है, या तो यदि एज में ज्यादा हो और वो प्लान मेकर हो, किंग मेकर क्या कहते हैं उसको, मास्टरमाइंड है, ये उसमें शामिल हो तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। दाऊद के लिए मोहब्बत में लगी है क्या, और किया मतलब कब किया होगा, और उन्हीं के प्यादे सब कर रहे हैं यहां पर, तो उनकी उसके प्राप्ति में कितना यत्न कर रही है। महिला को उतनी सजा नहीं मिलेगी, और उस बच्चे को भी उतनी सजा थोड़ी ना मिलेगी। मैंने तब बार बार एक दो केसेस हमेशा कहता रहा हूं, आज लड़का खून भी करे कुछ भी करे, अब भी बहुत खतरनाक केस हो, मैंने बताया था मुंबई का आपको थोड़े दिन पहले, इतना खतरनाक केस होने पर भी वो जब पुलिस कस्टडी में आया तो बोले इसको क्या सजा दे सकते हैं, ओनली 3 साल की सामान्य जेल देंगे बोले इसको। बोले ऐसे कैसे, क्या कर सकते, बोले इसका एज ही नहीं है। तो फिर मैं हमेशा कहता हूं, और फिर और छोटा बच्चा मिले तो उसको तो क्या सजा दी जाए, और नारी मिले उसको और कम। मैंने ऐसा बोला तो फिर वो क्लास के बाद तुरंत एक जन ने फॉलो किया, यहां से यहां पर आए, फिर वो बोले आप उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा जी कैसा बोलना चाहिए, तो बोले आप समझते नहीं हो। मैंने कहा समझा दो आप, तो बोले कि देखो ये तो अहम मुद्दा चल रहा है अभी कोर्ट का। मैंने कहा अच्छा, बोले पार्लियामेंट में रोज इसी को लेकर बहस चल रही है, वो मांग कर रहे हैं कि महिला को यदि बच्चा है छोटा, बच्चा ने क्या अपराध किया, 2-5 साल का बच्चा, उसने क्या अपराध किया, उसको भी अंदर लेके जा रहे हैं, मांग कर रहे बोले, तो अपन बोलने में और पोषण हो जाएगा। बोले वो भी उसके कर्म का उदय है, रहने दो उसको अंदर। मैंने देखा थोड़े में निपटती नहीं जानकर, मैं अपने जल्दी में था, मैं निकल गया। मैंने कहा फिर, तो फिर मैंने उसको बचाए रखा था उसको, कि इसको उठाना है मुझे बिंदु को, और उसको पूरा इसका सफाया करना है मुझे। तो देखो मैंने कहा, फिर अंतिम दिन वो चला था पीरियड, तो मैंने कहा देखो कर्मोदय की बात यहां पर नहीं घुसाना चाहिए बीच में, यह कानूनन व्यवस्था की चर्चा हमारी चल रही है अभी, व्हाट इज रूल राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ कैसे बनाना, बात पाप और पुण्य के उदय की नहीं चलती यहां पर बीच में। चरणान योग में कभी किसी का उदय नहीं देखा जाता, अरे पाप का उदय बेचारे पर मारा मारा घूम रहा है, ये चरणान योग में नहीं चलेगा, हमारा साधर्मी है।
तन से मन से धन से किसी भी प्रकार से हमको उसको सहयोग करना चाहिए। जब अति होने लग जाएगी सहयोग की, अपने आत्म भावना भी नष्ट होने को होगी, तो वहां पर फिर द्रव्यनियोग खड़ा होकर कहेगा कि देने वाला देत है, लेने वाला लेत, लोक भ्रम। तू काय के लिए भ्रम करता है पालता का, जो मानता मैं जगत क्या, मैं दूसरों को पालता हूं, बचाता हूं, मारता हूं, जिलाता हूं, वो मिथ्या दृष्टि है। फिर वो कहते तुम इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, और अपना विकल्प तुम कर रहे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा अपना काम जानना है। द्रव्यनियोग तब खड़ा होगा जब करने का विकल्प होगा जीव का, तो चरणानियोग उठेगा, और विकल्प एकदम उसको एकदम बैक लेके जाए, एकदम ऐसी पोज में फिर से वो दुख होने लग जाए, फिर अध्यात्म खड़ा होगा। हो गया तुम्हारा काम, हम पहले से ही कह रहे थे, बीच में बोलेगा नहीं अध्यात्म, बीच में बोलेगा तो उसकी कोई नहीं सुनने वाला है, उसको थकने दो बहुत अच्छे से, फिर अध्यात्म बोलने के लिए खड़ा होगा, तो उसके भी वर्ड्स दैट विल प्ले अ मैजिक रोल, अ स्पेल इन हिज लाइफ। मैजिक स्पेल समझते हो किसको कहते हैं? मंत्र को मैजिक स्पेल कहते हैं। तो मंत्र जैसे सिद्ध होगा वो अध्यात्म, बोलो करना है और करना है। अब वो स्वयं कहे भाई कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अध्यात्म बोलेगा जो बोलना है। अभी तो मुझे क्या कहना था, तो फिर मैंने कहा कि कानून की व्यवस्था, हम तो कर्म का उदय नहीं देखे, हम तो ये देखे चरणानियोग की अपेक्षा क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि नारी के विशेष पुण्य पाप भाव हो ही नहीं सकते, मैं पूरा उसको घटित कर रहा था। इसलिए मैंने कहा देखो वो ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की अपेक्षा से भी विशेष उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किसी भी मामले में वो नहीं हो सकती। फिर उनको जची बात, सब हो गए वो बात, तो मैंने पूरा उसमें लिया। फिर बच्चे का तो मैंने खूब घुमाया उदाहरण, मैंने कहा छोटा बच्चा कोई क्राइम करे विदेश में तक और पर्टिकुलर उम्र के नीचे, तो उसको ऐसा मानते हैं कि अनजान में किया इसने, और ये तो बहुत अच्छा है ये चीज, हमको इसको बिल्कुल पनाह देना चाहिए ऐसे न्याय को। जो न्याय किसी को सुधार की गुंजाइश और अवसर देते हैं, ये सदा खुले रहने चाहिए, ये समोसरण जिंदा रहना चाहिए। समोसरण समझते हैं आप लोग? सम अवसरण, ये समान रूप से अवसर सबको मिलना चाहिए। हमारा क्या बिगड़ रहा है मुफ्त में, अपन क्यों फिजूल में टांग उलझा रहे हैं? महिलाओं को या अंदर करो, हम तो ये कह रहे हैं उन अंदर को भी कर लो बाहर, तुम्हारे घर में घुस जाएंगे तो, मतलब हमारे घर में घुसेंगे इस डर से। हम ये कहे ना, हम ये भावना बाहर आगे कि इन लोगों का सुधार हो जाए। मैंने कल आज सुबह चर्चा चली क्या, ये पूरी आज सुबह चर्चा चली क्या? सो रहे थे क्या सभी? सो रहे थे क्या? मैंने कहा गलती से भी कभी नहीं बोलना, चोर पकड़ा गया अच्छा हुआ, नहीं बोलना फिर से, नहीं बोलना फिर से। हम ये बोलना कि बेचारे ने क्यों चोरी की होगी, क्या कमी होगी, की होगी, हुई होगी। मुझे तो ये विकल्प आता है उसको बुलाए, उसको पैसा देवे, अरे भैया तुम चोरी काहे के लिए, कि तुम पहले आ जाते पैसा ले लेते। लेकिन हमारा इतना ऊंचा हृदय कहा कि सब होने के बाद हम जग गए। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? सुबह मैंने काफी लिया इसको, रौद्र ध्यान की चर्चा में इसको पकड़ा गया आतंकी, फांसी लग रहा है, अच्छा हुआ। हम अच्छा हुआ सदा सुखदास जी स्पष्ट कह रहे नहीं नहीं, काश भेद विज्ञान होता, इससे बढ़कर कुछ नहीं बोला जा सकता। इसमें सबको भेद विज्ञान, सबको भेद विज्ञान। मैंने सुबह भी याद दिलाई थी गुरुदेव की रीति नीति, कभी भी जीवन में एक ही बात रहती थी कि भूले लो भगवान छे, आ जाएगा मार्ग पर, आ जाएगा मार्ग पर, भेद विज्ञान को प्राप्त हो। दूसरा अपने अपना अभिशाप देने वाले होते कौन है, समझ रहे? और अनुवृत्ति के स्वरूप में यहां तक लिख दिया, कोई चोरी कर रहा हो हमने देख लिया, पहचाना इस बात को, पहचाना सब, मुझे बहुत देर से पची है ये बात, बहुत देर से चोरी करते देखा, सब आपने देखा और बताना हाँ ये चोर है, हाँ इसको ये अनुवृत्ति नहीं कर सकता, ऐसे कदापि नहीं कर सकता, नहीं बोलेगा। क्यों? पकड़ जाए, मर जाए तो सुधर के अवसर सब खत्म हो गए उसके, सबको सुधरने का अवसर चाहिए, हर पर्याय नहीं है यहां पर, न्यू लाइफ आने वाला। समझ में आता है? कहते हैं ना सोते समय निराश होकर नहीं सोना,
आने वाला उदय एक नई राह दिखाएगा, कुछ नया रास्ता दिखाएगा। ये लिखते रहते मोटिवेटर्स जो होते हैं, ऐसे होता है ना सब, मैंने ज्यादा पुस्तकें पढ़ी नहीं है, ये वो कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हम कह रहे हैं तुम सुबह की बात कर रहे, हम तो कह रहे हैं आने वाला समय में ही कितना मैजिक हो जाता है, अचानक एकदम माइंड चेंज होता है। इतना आग्रह कर रहे थे, ऐसा ऐसा ठीक है चलो तुम, नहीं मेरा मन बदल गया अभी, अब क्या हो गया एकदम ही। तो मैंने कुछ साथ में कुछ लेके आया हूं यहां पर कुछ प्रूव करने के लिए। तो वैसे ये पुस्तक है, आप भी बाद में पढ़िएगा, किसने पढ़ी है क्या, स्त्री प्रक्षाल निषेध वाली पुस्तक है, किसने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, वो खाली टाइम रहेगा कोई पढ़ लेना। ये कटारिया जी की पुस्तक है वैसे, और लगभग 60 पेजेस में होगी। ये मीमांसा की है एक प्रकार, जो स्त्री प्रक्षाल मानते हैं उनका निषेध किया है एक प्रकार से। तो अच्छी पुस्तक है, मुझे तो अपना मतलब निकालना है आज, नहीं तो मेरा तो कोई काम भी नहीं है यहाँ पर। ये पूरे प्रकरण में ये फोकस करने का प्रयास किया है कि वे भी बराबरी से राइट मांग रहे हैं। पार्लियामेंट की बात नहीं है झगड़े की, 33% कोटा रिजर्व करो, ये कह रहे कल इसमें भी लड़ाइयां हो सकती है। आज तो लड़ाई इस पे ही हो रही है कि प्रक्षाल पुरुष वर्ग ही क्यों करे, क्या महिलाएं जीव नहीं है? तो कल जाकर बात यहां तक बढ़ सकती है वेदी पर, मिस्टर क्यों, व्हाई नॉट मिसेस, मिसेस ना सही अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन ब्राह्मी और सुंदरी में क्या आपत्ति पड़ रही है आपको, आप समझ रहे? मतलब ऐसी कोई उनकी भी कुछ बने, अपने हाथ पर भी देविया चालू हो जाए। तो लेकिन ये समानता चाहिए सबको, लेकिन समानता तब हो सकती है। देखो ये भावना, भावना होना अलग बात है, अभी अभी मैंने कहा सबको हो, हमारा क्या बिगड़ रहा है, लेकिन एक जातिगत जो विकृति है उसका अभाव कैसे हो सकता है? यहां पर कुछ बातें मैं पढ़ूंगा, स्त्रियों में क्या क्या कमी है ये सब बताएंगे। उनमें नेचुरली किसी के अभिशाप से नहीं है ये सब, लेकिन नेचुरली उनकी रीच उतनी नहीं हो सकती। देखो देखो कौवा है वो कितना ऊंचा उड़ सकता है, उड़े हमारे हमको क्या आपत्ति है? जितना बाज वगैरह ऊंचा उड़ता है, कभी देखा है अपने कौवे ने उड़ते हुए? नहीं उड़ सकता वो इतने हाइट पर। देखो यहां पर तो कह रहे स्त्री की मुक्ति नहीं मानी है, एक सेकंड कारण दे रहे स्त्री प्रक्षाल क्यों नहीं करेगी। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी स्त्री पर्य में जन्म नहीं लेता। दो, स्त्री के उत्तम संगनन नहीं होता, स्त्री के छठवा गुणस्थान नहीं होता, स्त्री 16वें स्वर्ग के ऊपर 9वें ग्रेवक आदि में अहम इंद्र आदि नहीं बनती, जबकि अभव्य भी 9वें ग्रेवक में जन्म सकता है। सूत्र पहुड़ में लिखा स्त्री के निशंक ध्यान नहीं होता, स्त्री वस्त्र त्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा नहीं ले सकती। कोई पॉइंट नोट करा है? इसे संभव भी नहीं है, मैं तो बहुत रैपिडली चल रहा हूं। कितने पॉइंट हुए हैं? चार। अच्छा समझ में आ गया मुझे। आगे आठवां पॉइंट देखे, स्त्री आर्यिका होने पर भी खड़ा आहार नहीं ले सकती, खड़े खड़े आहार लेने का निषेध है स्ट्रिक्टली आर्यिका को। वैसे तो मुनि के अलावा कोई भी खड़े नहीं ले सकता, लेकिन उपचार से महाव्रती कहा था आर्यिका को, फिर भी ये नहीं ले सकती। स्त्री द्वादशांकी पाठी नहीं हो सकती, 63 साल का पुरुष में कोई पद नहीं होता, फिर बाकी के कुलकर कामदेव रुद्र नारद इन पुण्यवंतों में भी उसका कोई रोल नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार आदि भी उसके नहीं होते, स्त्री गणधर नहीं हो सकती, और चरण रिद्धि आदि नहीं होती, मुनि संघ में भी कोई पट्ट वगैरह पर आसीन उसको नहीं करता, इवन भट्टारकों ने भी आज तक नहीं किया है, और श्वेतंबरों ने एक बार एक केस हुआ विदेश में, डॉक्टर साहब सुनाते हैं, उनको किसी ने भरे प्रवचन में, वो तो जाते ही है सब में जाते हैं और क्यों नहीं जाए, तकलीफ हमको आतंकियों को हमारे घर में घुसाने की हो तो हो, हमें कोई यदि बोला था मान सम्मान से
सुनो, और घातपात नहीं हो सकता वहां पर। आए हुए अतिथियों को इतनी तो अकल सबको है जो पेपर आउट न्यूज है, हमारे यहां पर कैसे कोई गड़बड़ होगी। तो जब वे बुलाते हैं तो डॉक्टर साहब, आप जानते ना ये परिषण पर्व अपना होता ना, उसके पहले भी वो मुंबई में सेट है उनका, हर साल 8 दिन उनका परिषण पर्व चलता है ना अपने परिषण के जस्ट पहले, तो वे हर साल उनका बुक है मुंबई में। मैं कह रहा हूँ 2-3 हजार पब्लिक कलेक्ट हो रही, उनकी आ रही है, दिगंबर को सुन रही है, क्या आपत्ति है? आखिर श्वेतंबर की तो गुणगान नहीं करते होंगे ना, ये तो इतना तो आपको विश्वास रखना ही चाहिए। विदेश में भी अभी कोई बात आ रही थी, मैंने बहुत पहले सुना है ये, मैं तो 5-6 साल पहले सुनता था, तब की बात है ये। तब ये बात आई कि कोई एक कार्यक्रम होने जा रहा था विदेश में, बहुत बड़ी संख्या में होने जा रहा था, 10-12-15 हजार पब्लिक के बीच में, कि बोले दो प्रवचन अपने को देने को तैयार है। डॉक्टर साहब ने कहा यस कर दो तुम कार्यक्रम। बोले कैसे कैसे काम चलेगा ऐसे? बोले अपने को कुछ 50% भी तो चाहिए अपने को। बोले एक भी मिलता हो अपने को यस कर दो तुम, मैंने जो कहा है वो करो काम। हमको हमारा तत्वज्ञान प्रोपगेट करने में कोई आमंत्रण देकर, और हमारा सुखड़ा साफ पड़ रहा है ना यहाँ पर, हमारे लोग कहाँ टाइम पर आ रहे, तो होगा कोई ब्राह्मण गणधर जैसा होने की ताकत वाला तो नॉन जैन में से ही खड़ा हो जाए, और ये तो अपने भाई बहन है, हम इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते क्या? तो बस हमको तुम यस कर दो, मुझे तो ये कहना है। तो वहां पर एक प्रश्न पूछा फिर, बोले ये तो सब बात ठीक है, भरे प्रवचन में पूछा कि आप तो दिगंबर ही हो ना, लेकिन वैसे आप हमको बताओ कि सत्यार्थ बात क्या है, कैसी है? तो बोले आप पचा नहीं पाओगे इसको, अभी मत पूछो, चलने दो कार्यक्रम, तो हमको बीच में ही रिजर्वेशन तो हमारा 10 दिन के बाद का है, हमको दिक्कत होगी जाने में। नहीं, बोले आप बताओ, इसका कुछ भी असर नहीं होगा कार्यक्रम पर। तो फिर वे ये बता रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा श्वेतंबर को, बोले स्त्री को मुक्ति हो सकती है, प्रश्न पूछा। अब वो तो वो प्रश्न को उत्तर पाने के लिए थोड़ी पूछा, उत्तर क्या इनको मालूम नहीं क्या? ये बोले आज तक तुम्हारे जितने भी आचार्य हुए हैं, ये आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ इनके होते जानते हैं आप लोग, कुछ टच में रहेंगे आप जानते होंगे, एक भी इन्होंने आज तक आचार्य के रूप में भी नियुक्त नहीं किया लेडी को इन्होंने। क्यों नहीं करते तुम ये खाद? तुम आचार्य में ही तकलीफ पा रहे हैं आचार्य पद देने में, तुम कब तीर्थंकर पद दोगे? अच्छा मोक्ष गए हैं तो कैसा सीन रहा होगा सोमोशरण का, वो मल्लीबाई का कैसा सीन रहा होगा, वो सब अच्छा नहीं लगता वो। तो फिर कपड़े पहना दिए ना तुमने, फिर आखिर फिर जब कपड़े ही पहनाने थे तो फिर काय के लिए नौटंकी करी तुमने इतनी? और देखो फिर हम ये कह रहे हैं, एक मंदिर भी एक श्वेतंबर भाई भी आगे आकर एक हाथ बनाए ना फिर मंदिर, मल्लीनाथ की एक भी प्रतिमा स्थापित करने को तैयार नहीं है, और यहां पर हमसे लड़ने को सभी तैयार है। हम कह रहे ना करो ना एक हाथ स्थापित, तुम महावीर की और इनकी उनकी करने में संतुष्ट है, तुमको तो बल्कि इन्हीं की करना चाहिए था हटके दिखाने के लिए, जैसे वे पद्मासन में बनाते ना प्रतिमाएं, जब भी देखना जितनी भी खड़गासन की प्रतिमाएं हैं वो दिगंबरत्व की परिचायक होती है, उसमें कभी भी गफला नहीं हो सकता। इसलिए श्रवण बेलगोला की मुद्रा है वो अक्षुण्ण रूप से दिगंबरत्व की विजय घोषित करता है, उससे पहले कोई श्वेतंबर की पद्मासन की एकदम लेटेस्ट भी होती उसमें मैनिपुलेशन प्रीवियस होती, मैनिपुलेशन पद्मासन में हो सकता है। अच्छा बैठे में देखना पड़ता है वो दिगंबर है कि कुछ है, क्या है उसमें, एक साधारण उसको एक आवरण कर दिया बीच में, खत्म, दिगंबरत्व का काम ही खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये कहना है खड़गासन प्रतिमाएं है वो हमारी परिचायक है। तो कहां तक आया मैं, ये भी आचार्य पद के रूप में स्वीकार नहीं करते महिलाओं को, और जहां जहां पर करने का प्रयास किया है
अभी अभी चालू हो गए हैं, अभी अभी, वो सब असफलता और बहुत अज्ञान के गर्त में फंसा है उनके अंदर की गतिविधियां, और कितनी तकलीफें हैं, कितने फ्रॉड है और क्या क्या स्कैंडल्स है, ये सब जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, इन्होंने थोड़ी लौकिक परिप्रेक्ष्य में बात उभारी जो मुझे अभी यहां पर स्पेशली इसके लिए मैंने प्रकरण खड़ा किया है। लोक में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में। एक, अब कोई नई लड़की रहे, लड़की नहीं रहती हो उसकी बात नहीं चल रही है यहां पर, यह आम प्रचलन ये है सुसभ्य, फिर तो वो तो और गए बीते की निशानी हो गए, उसको लड़की कौन कहता है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, न स्त्री स्वतंत्रम रहती, बाल्यावस्था में वो पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्रों के संरक्षण में, उसकी कुछ भी अपना नहीं चल सकता। अरे वो मन से चाहे मुझे जैन कोई कोर्स करना है, जैन कोर्स, वो भी उसके हाथ में नहीं है, एक एक चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, स्वतंत्रता से जाकर फोटोकॉपी करना ये करना नहीं कर सकती। एक बहन है वो मुझे ये कहती है बराबर, मुझे कोई अनुकूलता नहीं घर से, हमारे घर इतना धर्म में आगे है, अध्यक्ष है हमारे पिता मंडल के आदि आदि, मुझे जैन कोर्स करना है, जैन कोर्स, मैं कदम बाहर नहीं रख सकती, बोले फोटोकॉपी करना ये करना कुछ नहीं, क्या करूं समझ में नहीं आता कि धर्म की क्षति हो रही है मेरी। मैंने कहा कि जैसा माँ बाप ने कहा वैसा करो, बहुत सोच समझ कर बोला हूं मैं, लड़की को माँ बाप के अधीनता में रहना चाहिए, उन्होंने कुछ भी कमी समझी होगी हम में, अपन फॉलो, जस्ट फॉलो। मुझे तो अभी क्या कहना है, लड़के का थोड़ी ना ऐसा है, लड़का कहीं भी जाकर घूम के आया, रात में कभी भी आया, ऐसा नहीं हो सकता लड़की का कभी भी। अब भला क्या, वो तो क्या कहने की आवश्यकता है, वो तो सिद्ध ही हो रहा है। आगे लेडीज फर्स्ट जो स्लोगन है वो तुम्हें प्रायोरिटी पर प्रायोरिटी नहीं दिखाता है तुम्हारी, वो समझना, वो तुम्हारी इंफेरियरिटी दिखाता है। 33% रिजर्व कर दिया हरिजनों को, वो कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है उनकी, वो ये हीनत्व का भाव बैठा है उसमें कि भैया ये भी है इनको भी थोड़ा 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 क्या थोड़ा पार्शियल बन जाओ इनके लिए, बी पार्शियल, पार्शियल समझते हो, थोड़े से इनका कंडोलेंस दे दो, सांत्वना दी है सांत्वना, ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 चल, लूले लंगड़ों के लिए एक बोगी सेपरेट है वो कोई, और एमएलए वालों के लिए भी एक सेपरेट सीट होता है, ये कोई एमएलए नहीं हो गए, आप समझ रहे, लूले लंगड़े देखकर सब फटाफट फटाफट बाजू में हटे है, वो कोई उनका ऐसी कोई एक कॉलर वाली बात नहीं है उनकी, वो तो हीनत्व दर्ज हो गए है वहां पर। नारी को जो सम्मान, नारी सम्मान का जितना भी ध्वनि चारों तरफ से गूंज रही है वो उसके अबलापना की निशानी है। मां बाप को संभालो भैया, ऐसे जितने भी नारे चारों कॉर्नर से लग रहे हैं वो बूढ़े बड़ेरों की उपेक्षित हालत पर तरस खा रहे हैं ये सब। कोई ऐसा बोलता है बच्चों को अच्छे से संभालो भैया, अरे वो तो संभालते ही है, तुमको क्या और नए कहने की आवश्यकता है, 30-40 साल वाले बच्चों को अच्छे से संभालो भैया, अरे ये कहना पड़ता है माता पिता को केयर केयर करो, और वृद्धाश्रम खोले गए हैं, अनाथाश्रम भी खोले गए हैं, क्या क्या युवा आश्रम भी खोलेंगे कहीं, फिर तो आखाड़े आखाड़े होंगे उसके, आखाड़े कुश्ती होंगे, युवा आश्रम कौन खोलेगा और काई के लिए खोलेगा, प्रयोजन क्या है, ये तो जो युवा आज दिख रहे हैं ये तो बचपन से पल रहे हैं यहाँ पर, सो इनको ड्यूटी में हमने लगा दिया यहाँ पर। यह अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम ये दोनों हीनत्व की निशानी है, आप समझ रहे ना, मैं इतना प्रकरण क्यों ले रहा हूं, वो दिमाग में मेरे दौड़ रहा है बराबर, वो जो दो दिन पहले प्रश्न आया ना, एक जन ने प्रश्न पूछा, आप जैनियों में ये बात अच्छी नहीं है, नारियों को बराबरी से आपको रखना चाहिए, अरे हम कौन होते उनको रखने वाले, हम हमारे हाथ में है क्या ये व्यवस्था, उनकी प्रकृति वैसी है। देखो
बहुत तकलीफ है, दो मिनट में कहीं भी जाना है, दो मिनट में पुरुष खड़ा बाहर और महिलाओं को देख लेना कितना टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं शी शुड बी ब्लेम्ड, मैं तो यही कह रहा हूं उसकी है जातिगत समस्याएं कई सारी। बीच में गाड़ी रुक गई, अंकित साहब रुक जाना, टॉयलेट को जाना है, हमको कोई तकलीफ नहीं, कहीं जंगल हो कुछ हो आता जाता रास्ता हो। महिलाओं की कितनी तकलीफ है, महिलाओं की कितनी तकलीफ है, अरे कुछ भी करने में आफत ही आफत है। और महिला कहीं खड़ी भी रहे और पानी भी पीना हो, कुछ दम जान जा रही हो इसमें भी, तो भी 25 जन देखने लग जाए, उसका मुश्किल हो जाए, सिर उठा के नहीं चल रही उसकी यह समस्या है, और उनकी तो कितनी खराब हालत है। देखो किडनैप होते हैं, वो जो भी होता है, लड़कों को कोई क्यों नहीं उठा के लेके जाता कभी? आप नहीं समझे मेरी बात को, समझ रहे कि नहीं? लड़कियों के बहुत केसेस होते हैं ऐसे, उठा के लेके जाते हैं। देखो अभी देखे आगे, परमार्थ के स्वातंत्र्य का अर्थ वह कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती। देखो पुत्री का होना आनंदकारी नहीं माना जाता, नर्स भी क्या कहती है अंदर से मालूम? बोलो क्या कहती है? बारात आएगी, कि वो क्यों झापड़ खाएगी? नहीं समझा? उदय लड़का हुआ तो उसको मिलेगा कुछ पेड़ा वेड़ा लड्डू वड्डू, पहले होता था, कोई भी राजा को आकर कहता था आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, भरत को आकर बोला ना आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उसको फटाफट देने की पद्धति रहती थी, पुत्री हुई है ऐसा कभी सुनने में है कभी किसी को? वो तो मैं तो ये कह रहा हूं, वो तो ये बोलती है अंदर से, वो कहती है बारात आएगी, वो शर्माती है कहने में, क्योंकि सबको एकदम ऐसा लगता लड़की हो गई है। चलो मैं तो यहां पर क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं सब, लड़की को लोक में भी अबला माना गया है। दूसरा पक्ष भी मैं उभरूंगा, हालांकि मैंने कहा है फिर कभी एक घंटा उसको अलग से लेंगे तब देखेंगे, लेकिन थोड़ा मैं लूंगा। आनंदकारी नहीं माना जाता पुत्री को होना, इसलिए गृहस्थ तीर्थंकरों के पुत्री कभी नहीं होती। ऋषभदेव की ब्राह्मी सुंदरी हुई, शास्त्रों में ये भी हुंडाव सर्पिणी का दोष माना गया है, और उसमें भी फिर उन्होंने शादियां नहीं की, फिर क्योंकि तीर्थंकर किसी के सामने झुकने की नौबत नहीं आया। आगे आगे, स्त्रियों के एक ही पति होता है, यह पूरी संस्कृति व्यापक चल रही है अभी चर्चा, यह कोई जैन धर्म की बात नहीं है, मैं पर्पजली लोक की भी मर्यादा को उजागर कर रहा हूं। स्त्री का एक ही पति होता है, विवाह होते ही उसका गोत्र बदल दिया जाता है, और बेचारी उसको इसके घर आना पड़ता है, बेचारी कहकर भी मैं फिर वो तकलीफ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जो है वस्तु का स्वरूप वो है, बेचारी कहां से लाया, बेचारी मतलब अबला, उसको छोड़ना पड़ेगा सब, सब कुछ छोड़ के आती है, और तो और मां बाप को छोड़ के आई है, बेटा यही मम्मी यही पापा, घर बदला वो तो कोई नई बात नहीं है उसमें, आप समझे, सब कुछ तो बदल दिया, सुतक पातक भी रिलेटेड यहां से, तो लड़का भी कभी आपने देखा है जो लड़की के अनुसार गोत्र करेगा, तो ये अबलापने की निशानी। आगे विवाह में भी कितने ही विवाह पुरुष के करने के उल्लेख मिल सकते हैं, लड़के का असंगत माना जाता है, होता तो नहीं है। हाँ, संतान भी अपना परिचय लिखने में पिता का ही नाम लिखती है, ऐसा बोला जा रहा है, मां का नाम नहीं लिखता। स्त्री के पगड़ी नहीं बनती, ये अच्छी पुस्तक है, एक आध बार पढ़ लेना आप लोग, एक आध बार पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं। स्त्री के पगड़ी नहीं बनती, पगड़ी समझते हो आप? पगड़ी मतलब वो वाली नहीं जो पुराने लोग पहनते थे, हाँ, मरने के बाद जो जिम्मेदारी दी जाती है, एक पद दिया जाता है कि अभी तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, अभी कोई छत्र छाए नहीं है, अभी तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है, बी मैच्योर्ड नाउ, तो पगड़ी बांधने की रस्म कहलाती है वो, तो स्त्री को नहीं माना गया है।
पिता के पट्ट पर उसका भाई बैठता है और पति के पट्ट पर उसका पुत्र। स्त्री बारात में नहीं जाती, श्मशान घाट तक नहीं जाती, सनैती को नहीं उठाती। सनैती क्या है भैया? अर्थी कहेंगे क्या? अब फिर तो श्मशान घाट भी नहीं जाती तो वो तो उठाने के सवाल नहीं। सनैती पक्का है, अर्थी को कहते हैं, मटका को सनैती कहते हैं। इसी संबंध में कुछ रिचुअल्स में ही संबंध में कुछ होगा। चलो, स्त्री का शारीरिक स्थिति भी बड़ी हीन है। वो प्रतिमास 4 दिन तक रजस्वला अशुद्ध होती है, योनि स्त्राव को प्राय नित्य बनाई रहता है, गुह्यांगों में सूक्ष्म लब्धे पर्याप्त तक जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, 9 मास तक गर्भभार वहन करती है, प्रतिदिन शीर स्नान नहीं करती। ये लोक की बातें बता रही है सब, ठीक है? क्या है, कोई डाउट है किसी को? नहीं। एक साधारण छंद लिखा है, नारी की लावण्य से अंधा होत भुजंग, वे नर कैसे उभरे जो नित नारी के संग। ये तो फिर संग की बात आगे बढ़ाई है कि जो नारी का संग करेगा वो, और देखो कितना शेम माना जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के भी ये कोई किसी से डिग गया, कितनी दर्दनाक स्थिति मानी जाती है। हरि हरे पिता महद्या बलिनोपी स्मरेण विध्वस्ता, क्या त्यक्त त्रपा यथैते स्वांकान नारी न मुंचंती। नारी को लेके बैठे, शर्म भी नहीं आ रही इनको, मतलब नारी को लेके बैठे मतलब एकदम हीनत्व के वो निशानी है। एक पक्ष तो ये हुआ है पूरा जिसमें अबलापन सिद्ध किया, इसके बावजूद क्षायिक सम्यक तो तीर्थंकर प्रकृति भी इनके नहीं होता, और इसके साथ ये भी जानने लायक है कि यथा योग्य नारी को सम्मान भी प्राप्त है। हमारे यहाँ सतिया भी के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, और मैंने वही बताने का प्रयास किया उनको, वो जैनेतर को उस दिन, मैंने कहा आप थे क्या वहां पर? आप नहीं थे उस दिन, 9th वाले तो सब बच्चे थे तब। हाँ तुम थे नहीं क्या? अब फिर वही तो पूछ रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा हमारे यहाँ भी पद है अर्रिका क्षुल्लिका, ये भी हमारे लिए पूज्य है, लेकिन हालांकि उतनी पूज्य ऐसे नहीं जैसे देवशास्त्र गुरु की पूज्यता, उनको सम्मान इच्छा में इच्छा कर उनको भी करते हैं, लेकिन उनका नहीं हो सकता उतना पुरुषार्थ, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि नारी सम्मान के रूप में गृहिणी को ही घर बोल दिया है। क्या बोला? गृहिणी ग्रहम उच्चते। सोमदेव सूरी ने, आशा दर्जी ने, दोनों ने ऐसा लिखा है। देखो कहते ना वो, हम चलो चलो ना हमारे साथ, नहीं नहीं वो साथ में घर है, तो साथ में घर है मतलब समझना साथ में पत्नी है, ये बोलने की परंपरा है। तो क्यों, तो मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान भी तो दे रहा है, नारी मतलब ही घर, इसलिए शादीशुदा कोई खुलकर गृहस्थ बोलते हैं। ब्रह्मचारी को कहने में संकोच होता है ना, क्योंकि ग्रह में रहने वाला तो वो भी है फिर 10वीं प्रतिमा तक, लेकिन उसको है तो गृहस्थ ही है, तो 11वीं प्रतिमा तक भी गृहस्थ ही नाम पाएगा, लेकिन संकोच इसलिए होता है घर में रहने मात्र से गृहस्थ हमको एकदम अटपटा लगने लगता है, वो नारी का होना ही घरपना है। तो ये उसको यथा योग्य सम्मान भी प्राप्त है, ठीक है। अभी आइए अपने अपने प्रकरण में, ये प्रकरण हमारा पूरा हो गया है, ये आगे की गाथा चलेगी, 33rd गाथा सब पढ़ेंगे, 33rd जल्दी, ये पेज नंबर 57 प्रश्न है मेरा और 99 पृष्ठ, पेज 99। मूलुण पहा अग्गी आदा वो हो दिपुण सही पहा, आइच्छे तेरिच्छे उन्नुन पहा जो
बस देखो तीन प्रकृतियों पर यहां पर प्रकाश डाल रहे हैं। अगली क्लास में तो तत्व और सूत्र लेके बैठेंगे, सब विशेष चर्चा चलेगी कल। आज तीन प्रकृतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बताता रहा हूं, हर एक प्रकृति को बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है। कुछ विशिष्ट विशिष्ट प्रकृतियां जिनके समझ में स्खलन हो सकता है उनको थोड़ा खड़ा कर रहे हैं। तीन प्रकृति का परिचय यहां पर कराया जा रहा है, आतप, उद्योत, अग्नि। क्या बोला, बोलो। एक महत्वपूर्ण पॉइंट टू बी नोटेड, ये अठी वालों को सब कुछ पढ़ाया है, ये फिर अठी वालों को ये आधार बनाकर मैं बहुत सारा मैटर लूंगा। मैंने खूब मेहनत तब की थी, अभी नई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति की मम्मी ने पूरे नोट्स भी वर्ड टू वर्ड बनाए हैं पूरे, जो इनको मैंने पढ़ाया है, तो उन्हीं के नोट्स लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो मेरा नियम है, रूल घर का, कम से कम 5 घंटा आपका अध्ययन होना चाहिए। कैसे भी करो, 15 मिनट बैठ के, फिर लेट के, कैसे भी, एनी हाउ। और बहुत बिगड़ गया, एक टाइम भोजन नहीं करूंगा मैं, और बिगड़ गया एक में भी और कुछ कर लूंगा मैं। आपका स्वाध्याय होना जरूरी है। नारी संबंध समझ में आता है? बराबरी के वे भी अधिकार है सम्यक तो करने के। हम सबको एक दूसरों का अवसर देना चाहिए आगे बढ़ने का। और एक जन धर्म मार्ग पर चलता हो, दूसरा नहीं चलता हो, ऐसी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जगह जगह टकराव खड़ी होगी और समाधि में बाधा खड़ी होगी। आप समझ रहे, मरते समय ये पानी ही पिलाएंगे फिर अपने को, तो पानी पिलाने वाला नहीं चाहिए क्या? अरे कैसी बात करते हो, पानी छुड़ाने वाला चाहिए। ये जैन धर्म है, लोग में कहते पानी पिलाने वाला। कृष्ण मरा होगा, कैसे मारा कृष्ण? प्यासा मर गया, उनको पानी पिलाने वाला नहीं मिला कहते, तो प्रचलन चल पड़ा पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, पानी पिलाने वाला। अरे हमारे यहाँ आहार पान का त्याग करके मरते हैं, यहाँ पर तो संबोधन आदि का कोई बात हो तो बात बात करो। तो जीवन में आप सब ध्यान में रखना, घर वालों को समान रुचि रहे, सबको धर्म मार्ग में लगाए, इसमें हमारा लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट होता है। हमारे व्यक्तिगत लाभ को भी हम गौण कर सकते हैं, करना चाहिए। उनको आगे बढ़ाओ पहले, और अपन आगे बढ़ेंगे, हमको बाधा खड़ी होगी आगे। समझ में आता है सबको? ओके। इसलिए आप घर पर गए, किसने, कितने जनों ने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को कुछ समझाने का प्रयास किया, कोई है? अरे वाह वाह वाह, आठवीं वाले ही है बच्चे, अच्छा ये ठीक है, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चाहिए ऐसा चाहिए। या आप तो भी आकर मुझे बोल दे, आप तो कहाँ बैठा है? वो अति, अरे वो तो सुन रहा है, तू सो रहा है क्या? वो पूरा बताया उन्होंने, घर पर जाकर सूर्य मंत्र वाला जो पढ़ाया था, पूरे नोट्स घर पर दे के आता है, पापा जी उसके पढ़ते हैं, रिमार्क करते हैं, कुछ करना हो ये यहाँ तक आता है। मैं तो सुबह ही बोला कि हर एक माता पिता को ऐसा जागृत रहना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आखिर लोक में कितना जागृत रहते, स्कूल के आगे पीछे मंडराते हैं, टीचर को पूरा मुश्किल कर देते हैं, एक मार्क कहा गया और क्या नहीं गया। चलो कहाँ तक आए, वैसे क्या कह रहा था मैं, कुछ बात चल रही थी मेरी, आतप, उद्योत और अग्नि। देखो कुछ अटपटा लग रहा है आपको सुनने में? देखो अग्नि तो कोई प्रकृति नहीं है 148 में, तो कहां से छलांग लगा के आ गई? ध्यान रखना, जो स्थावर में अग्निकायिक है वो यहां पर अभिष्ट नहीं है, उसमें अंतर है, अंतर। वो स्थावर वो तो भावों से रिलेटेड है, और ये अलग मैटर है टोटल अग्नि का, ये प्रभा से रिलेटेड है। क्या है प्रभा, अभी वो चर्चा चलेगी कल। लेकिन एक बात समझने की है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में ये प्रकृति अलग से गिनाई नहीं है कहीं भी, लेकिन जब भी अग्नि की चर्चा आएगी वहां पर यही कहा जाएगा, अग्नि नामक नाम कर्म के उदय से। वो अग्नि का एक नहीं समझना स्थावर वाला, पास स्थावर बताए ना, वो पास थावर में भी अग्निकायिक है, वो अग्निकायिक नहीं लेना यहां पर। उसके निमित्त से तो बस वो पर्टिकुलर भाव हुए जीव को, चलना है आगे, क्योंकि स्थावर जीव विपाक की प्रकृति है ना। जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट,
त्रस्थावर ये जीव विपाक की प्रकृति है। जीव विपाक की मतलब एक इंद्रिय दो इंद्रिय ये तो पुद्गल विपाकी है जाति, लेकिन ये स्थावर ये समझने की बात है थोड़ी सी। एक इंद्रिय होगा जाति नाम कर्म का उदय, फिर स्थावर ये निश्चित करेगा इसको कहाँ लेके जाए कहाँ लेके जाए, अग्नि का एक ये इसको वायु का एक बहुत भटकने की इसको आदत है, अभी यहाँ फिर वहां फिर वहां बहुत घुमकड़े चलो पुश चलो घूमते रहना मुंह जाति भी जीव पक में लिया और इंद्रिय इंद्रिय है ना अलग सा नहीं, चलो अपना आगे देखेंगे अब उसको। शरीर इंद्रिय तो नहीं होना, जाति में इंद्रिय है चार्ट क्या नया वाला है क्या आपका पास शरीर बोल रहे बंधन संगात बोल रहे। चलो एक काम करेंगे अंगोपांग लेते हैं फिर और क्या है, अंगोपांग तो पुद्गल विपाकी में डाल रही है और जाति तो जीव विपाकी में ही डाल रही है ठीक है, इंद्रिय भी जीव विपाकी में है क्या इंद्रिय भी जीव विपाकी में ले लिया, त्रस्थावर की तो क्या बात करते हैं क्या है क्या है नहीं 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 है क्या बोल रहे ये अंगोपांग सुनो सुनो ये जो दिखता है ना ये हाथ पैर ये अंग अंग में आएगा ये पूरा, इसलिए ये पुद्गल विपाकी में है। चलो मुझे तो कहना इतना ही था कि अग्नि नामक नाम कर्म की अपनी अलग व्यवस्था है, फिर इन तीनों की परिभाषा क्या है वैसे कल ही देखना पड़ेगा डिटेल्स, अभी वाइंड अप करते करते मैं परिभाषा बताता हूं जिनकी आभा बाहर का उष्ण हो और अंदर का शीतल हो वह आतप नाम कर्म के उदय से होता है, जैसे सूर्य बिंब जैसे सूर्यमणि आदि। सूर्यमणि का भी हूबहू समझना, बाहर से उष्ण आभा देता है वो सूर्यमणि जो पहनता है ना, देखा है किसने सूर्यमणि नहीं देखा आपने, मैंने तो देखा है नहीं नहीं ग्रंथों में देखा है क्योंकि वो भी देखना ही है ऐसे थोड़ी ना है कि तुम लोगों ने देखो वो भी परोक्ष है, और मेरा क्या है मैं ग्रंथ आगम भी परोक्ष ज्ञान है अनुमान भी परोक्ष है सब परोक्ष ही है परोक्ष है, तुम्हारा थोड़ी ना कोई प्रत्यक्ष थोड़ी ना होता है कोई इंद्रियों से भी देखना, तो ये वो भी उष्णता फेंकता है लेकिन अंदर उसका शीतल रहता है। चंद्रमा ये प्रभा शीतल अंदर से भी शीतल, अंदर से दोनों शीतल है, सूर्य दिखता ऐसा है अंदर से उसका पूरा पूरा एसी लगा है अंदर पूरा, समझ में आता है अंदर कोई हीट नहीं है, बहुत गर्मी होती होगी फिर कैसे रहेंगे वहां कैसे रहेंगे क्या बात है चिन्मय कोई बात एनी प्रॉब्लम चलो ठीक है, अरे कितने बार रहकर आए और गर्मी में क्या बात है इसकी। और अग्नि में ये बोल रहे जिनकी प्रभा भी और मूल दोनों, मूल वर्ड डाला है उन्होंने प्रभा और मूल ऐसे दो वर्ड्स डालते गए हैं अपना अंदर बाहर जिसको कह रहे मूल और प्रभा, विशेषता और क्या है ये कल देखेंगे हम। ओम नमः।